अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद नदीम, नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से, बरकी रोड लाहौर से, पाकिस्तान से। आज हम ये 385 फिट कर रहे हैं और इसका बलंसर भी फिट किया। इसमें एक मामला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारे इंजनों की आवाज़ दुरुस्त नहीं आती। वो क्या प्रॉब्लम है अभी मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। ये जो बलंसर है ना, ये नया बलंसर डाला है। ये किस कंपनी का, ये मोनोग्राम आप देख रहे हैं, इस वाला है, ठीक है। ये नया बलंसर है और क्लाइंट ख़ुद ख़रीद के लाया है। हम तो असल में वो बलंसर डालते हैं हेमा का, लेकिन ये कस्टमर ने ख़ुद परचेज़ किया। ये मार्केट में इसकी कीमत काफ़ी कम है। ये वाला बलंसर चलता तो ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। उसमें ये प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें हमारे समझ के मुताबिक इसमें एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका इंजन की साउंड इक्वल नहीं होती। इंजन बलंसर की आवाज़ आती है, उसकी रीज़न क्या है अभी मैं आपके साथ वो मामला शेयर करूँगा। इसमें ये बात आपके साथ शेयर करनी है, ये बलंसर तो ब्रांड नहीं हुआ है, लेकिन इसकी ये गियरों की बैकलैश आप देखें। ये एक तरफ से ये सलीम साहब ला रहे हैं, सलीम साहब एक तरफ से ला, ये देखें, और ये इसकी जो बैकलैश है ये कितनी ज़्यादा आ रही है। एक वेट को हिला रहे हैं और दूसरे वेटों से ये कितनी प्ले है। ये जो फ्रंट वाला टीथ है इसकी बैकलैश तो तकरीबन ठीक है, लेकिन ये जो पिछला वेट है पे सेंटर वाला गरारी है। और ये देखें, अगर अगली गरारी को, अभी इन्होंने अगली गरारी को पकड़ लिया है, ये देखें अगली गरारी को नहीं हिलने दे रहे, लेकिन ये वेटों की आपस में प्ले कितनी है, ये देखें, ये देखें, ये वेटों की आपस में इस प्ले बहुत ज़्यादा। और इस प्ले की वजह से अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो होते हैं बलंसर आवाज़ करते, और ये जो आवाज़ है उस वक्त आती है जब आप एक्सीलेटर से पाँव उठाएं। ये वाली आवाज़ उस वक्त आपको महसूस होती है जब आपका इंजन रेस हो और आप रेस छोड़ें, तो फिर इंजन से गड़गड़ाहट की और गियरों की पिच की आवाज़ आती है। अगर इस बैकलैश को कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारा ये जो बलंसर है इस ब्रांड का, तो ये भी ठीक चल सकता है। इसलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि जो ये मैनुफैक्चर अदारा है उसको भेजी जा सके, ताकि वो इसको इम्प्रूव करे और ताकि हमें इम्पोर्टेड बलंसर ना डालने पड़े। इसका रिज़ल्ट भी बिल्कुल वैसा ही इम्पोर्टेड जैसा हो जाए। और हमारी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इलम फलाना सदका जारिया है, और इस इलम फलाने में आप नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग का साथ दें। अल्लाह हाफिज़।